हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ9 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है मैसेज टोन सेटिंग को अपना डिसेबल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैसेज टोन सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको है ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा ये वाला मैसेज टोन का, मैसेज टोन पे सेलेक्ट करना है। अब मैसेज टोन के इस पेज में आपको है ना ये म्यूट का ऑप्शन मिलेगा, म्यूट के सामने वाले सर्कल पे आपको इसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये म्यूट के सामने वाले सर्कल पे आपका ब्लू टिक मार्क लग जाएगा ना, तो इस तरीके से आपकी ये मैसेज टोन सेटिंग डिसेबल हो जाएगी। अब ये मैसेज टोन सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, आपके मोबाइल फोन में जो मैसेज ऐप होता है, ये वाला मैसेज ऐप होता है ना, अगर इस मैसेज ऐप का कोई भी मैसेज आपके फोन पे रिसीव होगा तो आपके मोबाइल फोन से कोई भी साउंड क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है ना इस तरीके से काम करती है आपकी मैसेज टोन सेटिंग डिसेबल होने के बाद, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कैसे आप ये मैसेज टोन सेटिंग को अपने मोबाइल फोन में आप शॉर्टकट तरीके से कैसे ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये जो आपके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज है इसे आपको फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। तो सेटिंग पेज को यहाँ पे फिर से ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फोन में। सेटिंग पेज को ओपन करेंगे तो सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलेगा सर्च आइकन का, इसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है, मैसेज टोन, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा मैसेज टोन का। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जब ये ऑप्शन नीचे शो हो जाता है तो इसे सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में लेकर आ जाता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।